मैं अभी टाइम हूँ रूम में। अच्छा, रूम में आने का ना मेरा एक मकसद था, तो मैं दिखाऊंगा। एक चश्मा है, बहुत ही खूबसूरत चश्मा है, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर प्लेस है। जब भी आप इधर आना चाहे, आपका दिल करे। लेकिन मान लो अगर जिंदगी का मजा लेना ना आप लोगों ने, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई थी तो मैं हॉस्टल से बाहर निकल आया हूँ। अभी रात में सोया था तो काफ़ी सुकून के साथ नींद आई थी, एसी चल रहा था तो काफ़ी अच्छा जो है क्या कहते कूलिंग हुई थी, बड़े सुकून से रात मेरी गुजरी है। तो मैं इधर जिस जगह में हूँ, मैं अभी टाइम हूँ रूम में, सीएना से मैं आया था। तो उधर रास्ते में मुझे जो ना एक शहर था, उधर पहले मैंने कहा ठहरता हूँ, उधर होटल भी जो ना थोड़ा सा दूर था, तो फिर मैंने सोचा मैंने कहा रूम में चलते हैं, रूम में होटल भी अच्छे मिल जाते हैं, शहर भी बड़ा है, और जिधर मैंने आगे जाना है तेरली में, तो उधर चलते हैं क्योंकि एक घंटे बाद मेरी ट्रेन है, तो उससे पहले नाश्ता करते हैं तो फिर जाते हैं। आपको दिखाते हैं आगे का सीन। अच्छा, रूम में आने का ना मेरा एक मकसद था, तो मैंने सोचा रूम में चलते हैं, तो इधर से नापोली भी नज़दीक पड़ेगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ, देखता हूँ मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं उधर जाऊँगा तेरनी में, देखेंगे कैसा लगता है, तो वापसी नापोली जाते हैं या वापस जाते हैं ये भी देखते हैं। चलो आज इधर सोचते हैं, इधर नाचा करते हैं। मैं आपको पता, मैंने रूटीन के मुताबिक जो भी लिया वो चौका का ब्रोश और लाते में क्या था, तो ये मैं रेडी हो गई हूँ। जी दोस्तों, भी नाचा कर लिया था, अभी देखते हैं ट्रेन तेरनी में जानी है तो उधर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वो सामने लिखा है उधर जान लिया, ठीक हो गया तो चल आ देता है। वाह, फाइनली हम तेरनी पहुंच चुके हैं। अभी इधर आगे हम जाएंगे ऊपर पहाड़ों के ऊपर, आपको मैं दिखाऊंगा। एक चश्मा है, बहुत ही खूबसूरत चश्मा है, तो उधर जाएंगे बस में अभी, ठीक है, क्योंकि उधर आगे ट्रेन ऊपर ट्रेन नहीं जाती, तो उधर ऊपर बस जाएगी, तो आपको दिखाते हैं, देखते हैं किधर बस मिलती है। चलो आइए जी दोस्तों, फाइनली हम एंटर हो गए हैं मर में मोर है, ठीक है, तो इसके अंदर एंटर हो गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी टिकट है 12 यूरो की, ठीक है, ऑनलाइन करनी पड़ती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर एंटर हो गया हूँ, तो दिखाएंगे आपको कैसा सीन है, तो आ जाओ देखते हैं। ये वाटरफॉल जो है ना, ये कुदरती है, तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस है। जब भी आप इधर आना चाहे, आपका दिल करे, तो आप इधर ज़रूर आएँ, ठीक है। रूमा से आप ट्रेन लेंगे, 1 घंटे का सफ़र होगा। यार काफ़ी शोर आ रहा है, मैं आपको बाद में बताऊँ। ये आप जो ये लोग देख रहे हैं ना, वो इधर शिप डालते हैं, तो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 लोग जो होते हैं ना, तो इसके ऊपर जो ना वो स्विमिंग करते जाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। आगे जी दोस्तों, हम इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हैकिंग करनी है, तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा। ये मेरे सामने जो है मैप है, तो मैप के ऊपर आप देखें किधर जाना है, हैकिंग करके आपने ऊपर जाना है, ठीक है।
अच्छा ये लोगों ने ना इधर ना बोर्ड लगाया, आपने जिधर जाना है ठीक है उधर लोगों ने ना ये देखो प्लेटें लगाई हैं कि जिधर आपने जाना है, एक नंबर पे जाना है या दो नंबर पे जाना है या तीन नंबर पे जाना है, जौन सी जगह पे आपने जाना है ना तो उस तरफ आप जो ना जाए ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी बात है ये। ये देखो ये मेरे पीछे लोग आ जा रहे हैं, इधर भी चश्मा है और इधर भी जो ना चश्मा है, तो सुभान अल्लाह क्या ही लोगों को मैं बताऊं यार, इतना मज़ा आ रहा है ना क्योंकि इतनी गर्मी है और ठंडे पानी की जो वो क्या कहते हैं कि छींटे पड़ रहे हैं यार, सुभान अल्लाह मैं और कुछ नहीं कह सकता, बस आपको मैं दिखाता हूँ। यकीन मानो अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना ना आप लोगों ने तो खुदा की कुदरत को लाजमी एक्सप्लोर करें, इसको लाजमी देखें। तो मैंने काफ़ी मरतबा आपको बोला है कि आप पैसे कमाएं जितने मर्जी कमाएं पैसे, आप कोई टेंशन नहीं, लेकिन साथ में घूमें कुदरत देखें, कल को पूरे हो जाएंगे फिर क्या करेंगे आप, अभी जो जो ना लाते हैं लातों की बहुत बातों से नहीं मानते, अभी लाते आपके साथ रहती है तो आप घूमें फिर जिधर मर्जी जाए कोई परवाह नहीं। हाँ जी आ जाओ देखते हैं आगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये मोरे की वीडियो है, तो जो भी आना चाहता है ना इधर टर्नी में आए, टर्नी से आके जो ना बस ले मरमोली में आए तो उधर ये जगह पड़ती है ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये कुदरत का नज़ारा है, तो ये ना चश्मा है ऊपर ना कोई ना वो क्या कहते हैं कि कुछ झील वगैरह उसका पानी जो ना नीचे आता है, तो काफ़ी अच्छा सीन लगता है, मैंने जिंदगी में पहली मरतबा ये चश्मा देखा है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो यहाँ पर लाजमी आए। तो अभी हम आगे देखते हैं क्या करते हैं, घर जाते हैं या क्या करते हैं आगे देखते हैं। चलो हाँ जी दोस्तों डिसाइड हो गया जी अभी घर जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, तो कुछ दिन स्टे करते हैं तो फिर जाएंगे नापोली में। तो अभी तक का जो है सफरी दरी जो है इसे ख़त्म करते हैं इसी वीडियो को। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जो ना इसकी ना 12 यूरो टिकट है, 12 यूरो इसकी टिकट है, तो ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ती है। तो आप लोगों की एक बात बताता हूँ, तो मैं ना ऑनलाइन टिकट बुक कर रहा था तो एक ना कोड ना वो नहीं डायल हो रहा था, कोई मसला था वो नहीं मुझे मिल रहा था ना, तो मैं तकरीबन 10-15 मिनट मैंने देखा तो उधर से ना 5-6 लोग आए फैमिली आई, तो उन लोगों के पास ना पास थे, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा ये आपने टिकट कहाँ से ली, तो वो मुझे आगे से कहता मजाक में कहता ये 50 यूरो की मैंने देनी लेनी, मैंने कहा नहीं यार, वो टिकट जो चेक करता वो देख रहा था, कहता चुप करो जाने दो इसे। फिर यकीन मान लो उसने मुझे ना अपने पास से वो नया ले आके इधर उधर देखा उसने, तो मुझे वो ना वो क्या कहते स्कैन करके मुझे देती, कहता अभी तुम जाओ, तो मैंने कहा कितने पैसे, कहता कोई पैसा नहीं जाओ तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा यार बड़ी बात है यार, यही चीज़ अगर पाकिस्तान में कहीं और होती ना तो वो कहते हैं कि हमें 20 यूरो दो तो आपको मैं एंट्री दे देता,
यार कैसे लोग हैं यार, खुदा का खौफ करें यार। जिस जो भी कहीं भी जिसके पास भी कोई पोस्ट है ना या कोई भी मकाम है, तो यार उसका गलत फ़ायदा ना उठाओ, जितना हो सके उसको यार फ़ायदा दो, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और जगह पे। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको, तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आप लोगों से मिलते रहेंगे। तब तक लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।